हाई एवरी वन दिस इज ग्ञानिश यादव हियर वेलकम टू माई लाइफ पेज टूडे आई विल स्पीक अबाउट नेविगेशन बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ बट मुंबई में सेटल्ड हूँ मैंने अपना टेन प्लस टू राम निरंजन झुंझुनू कॉलेज से किया है टू थाउजेंड सेवन में उसके बाद मैंने टी एस जौनक, चाणक्य ज्वाइन जौन किया था एज अ डेक कैडेट प्रीसी ट्रेनिंग के लिए और मैं वहाँ से टू थाउजेंड एट में पास आउट हूँ और uh, कॉलेज के दौरान ही मेरा कैंपस सेलेक्शन हो गया था बरनाश उल्टे सेमेंट बीएन कंपनी में जिसमें मैं आज सेकंड ऑफिसर हूं अब नेविगेशन बेसिकली एक आर्ट है जहां पे आप शिप को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाते हो सेफली विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्योंकि उसमें फ्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं चार्टर का पैसा लगता है सबके पैसा लगते हैं तो आपको शॉर्टेस्ट रूट लेना है बट सेफ होना चाहिए अब मैं आपको फिजिक्स हमारे Ships पे जितने भी काम होते हैं जैसे जैसे फ्लोट करता है ये सब फिजिक्स पे बेसिस पे ही है तो बेसिकली आपका फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए डे टू डे लाइफ में फिजिक्स जैसे हम मोशन पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं एनर्जी पढ़ते हैं ये सबको आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज आप शिप पे ही कर सकते हो सबसे पहला है डिसिप्लिन वैसे डिसिप्लिन हर फील्ड में काम आता है बट शिप पे बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों के साथ सेल करते हो अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ सेल करते हो सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है सबका रिलीजन बिलीफ अलग होता है जिसके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और शिप पे ऑन बोर्ड सभी का एक टाइम शेड्यूल होता है जो आपको फॉलो करना है आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते वहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप प्रॉपरली काम को सीरियसली नहीं लोगे और शिप पे बहुत सारे ऐसे काम है जो हम थर्ड पार्टी से डील करते हैं जैसे कस्टम हो गया इमिग्रेशन हो गया अगर आपने यहाँ पे पेपर वर्क सही से नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो लोग हैवी पेनल्टी देते हैं जो शिप को भरना पड़ता है शिप ओनर को लॉस होता है डिसेंट सैलरी बाकी के जॉब के कम्पेरिजन में जो सैलरी आपको मिलती है वो कंपेरेटिवली बहुत हाई होती है क्योंकि आपको काम भी कम्पेटिवली बहुत हाई करना होता है तो नॉर्मली जो लोग काम करते हैं एट आवर्स आपको सिक्सटी आवर भी करना हो सकता है ट्वेंटी फोर आवर भी करना सकता है तो सैलरी ऑन एन एवरेज के हिसाब से आप देखोगे तो दो से तीन गुना ज़्यादा होती है अगर आप छः महीने काम करते हो तो आप एक साल आराम से छुट्टी बिता सकते हो घर पर तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है मच्छर का कि आपको एक टैक्स फ्री अच्छी खासी सैलरी मिलती है दूसरा है Natural calamities, कभी कभी साइक्लोन में हम फंस जाते हैं शिफ्ट लेके तो उस दिन ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी का आखिरी दिन है तो उस वक्त आपको आपका मैंटल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए मैंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए यहाँ ही पे आपका पेशेंस भी देखा जाता है बहुत से लोग घबर भी जाते हैं कि अब क्या होगा बट वही है कि नेचुरल क्लामिटीज हमारे हाथ में नहीं होती है एक मास्टर को सिखाया जाता है कि अगर वो रफ वेदर में फंसता है साइक्लो में फंसता है तो क्या क्या एक्शन उससे लेनी चाहिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए इसके लिए हमें मरीन मेट्रोलॉजी भी पढ़ाई जाती है जिसमें आपको पता होगा कि प्रेशर्स और प्रेशर्स गिरते हैं तो साइक्लोन धीरे धीरे डेवलप होता है तो ये सब का नॉलेज आपको धीरे धीरे वहां पे शिप पे सिखाया जाता है बट इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज आप एक अच्छा एक्शन नहीं ले पाओगे और अगर आप कहीं साइक्लोन में फंस गए बुरी तरह से तो फिर आप भगवान भरोसे ही रहोगे जब हम शिप पे होते हैं तो नेविगेटर ब्रिज पे वॉच करता है तो अगर वो चीफ ऑफिसर है तो फोर टू एट वाला वॉच होगा वो हमेशा ब्यूटीफुल सनराइज देखता है एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है उसके पास हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्लाउड्स देख लेते हैं और एक अगर क्लियर नाइट है तो जुपिटर सेटरन अलग अलग प्लानट भी हमने देखा है तो नेचुरल ब्यूटी अगर है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड स्काई से रिलेटेड तो आप शिप पे क्लियरली देख सकते हो एंजॉय कर सकते हो बाकी नॉर्मल जो ड्यूटीज हैं वो डिपेंड करती हैं कि हम पोर्ट पे हैं कि ओपन सी में है या ट्रैफिक वाले एरिया में अगर हम ओपन सी में है तो हमें नॉर्मल हमारी जो नेविगेशन वॉच है वो करनी है हमेशा प्रायोरिटी होता है कि कोई कोलिजन ना हो कोई ग्राउंडिंग ना हो ये हमेशा प्रायोरिटी है हमारा तो चाहे हम ओपन सी में हो चाहे वहाँ पे एक शिप भी हमें दूर तो तक ना दिख रहा हो बट हमें तो अपने वॉच पे हमेशा विलीजन रहना है और ध्यान देना है कि हमसे कोई चूक ना हो सो so, तो नेविगेटर अपनी वॉच करने के अलावा डिपेंड करता है कौन से रैंक पे है Uh, अगर थर्ड ऑफिसर है तो वो अपने एल एस एफ एफ ए का मेंटेनेंस करेगा लाइफ बोट वगैरह का चीफ ऑफिसर के अंडर में चीफ ऑफिसर है तो वो क्रू से डेक वर्क कराएगा जहाज का चिपिंग पेंटिंग होता है मेंटेनेंस होता है और सेकेंड ऑफिसर है तो वो अपने मेडिकल स्टोर में जाके मेडिकल इन्वेंट्री लेता है और जो भी अदर पेपर वर्क है उसके वो करता है तो पेपर वर्क है और हम वॉच के टाइम पेपर वर्क करना अलाउड नहीं है क्योंकि वॉच हमारा प्राइम uh, ड्यूटी है एट घंटे की वॉच में आपको सिर्फ आगे ही ध्यान देना है कि कोई कोलिजन ना हो कोई मिसअप ना हो क्योंकि बाकी आपके एक बंदा जब ऊपर वॉच करता है ब्रिज पे तो बाकी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये अपना काम ईमानदारी से ईमानदारी से कर रहा है और रात को चैन के लिए सो सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं एक नेविगेटर के लाइफ के बैलेंस व्यू हैं वो जो आपको मर्चेंट नेवी में एज अ नेविगेटर कैरियर सेलेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे